धरती की सतह पर बनी जटिल आकृतियां। ऐसी करीब 800 रेखाएं बनी हैं। सवाल ये उठता है, ये बनी क्यों थीं? जानवरों और अजीबोगरीब जीवों की विशालकाय तस्वीरें जो दिखती हैं सिर्फ आसमान से। नाजका लाइंस के पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है कि ये किसने और क्यों बनाया है। अनोखी लंबी खोपड़ियां जो दुनिया भर में पाई जाती हैं। बहुत ही अजीब तरह की खोपड़ियां पाई गई हैं और देखने से ये पता नहीं चलता कि ये नेचुरल हैं या उन्हें किसी तरह से ऐसा बनाया गया है। क्या नाजका की ये रहस्यमयी रेखाएं सिर्फ काल्पनिक आकृतियां थी जिन्हें प्राचीन इंसान ने बनाया था, या फिर ये इस बात के सबूत हैं कि एलियंस प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए थे? मुझे पूरा यकीन है, कई सदियों पहले एलियंस हर तरह की एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल्स की तलाश कर रहे थे और उन्हें मिला नाजका। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर ये सच है तो क्या नाजका के रहस्य को सुलझाने से हमें इसके सबूत मिल सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्री पेश करता है बियॉन्ड नाजका। दक्षिणी पेरू 1927। आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबो महिया सेस्पे को नाजका रेगिस्तान की छोटी पहाड़ियों में हाइकिंग के दौरान जमीन पर तराशी प्राचीन सड़कों का एक विशाल जाल जैसा दिखाई दिया। कुछ सालों बाद जब इस इलाके के ऊपर से जहाजों की आवाजाही पड़ी तो आसपास के इलाकों में करीब 100 ऐसे डिजाइन्स देखे गए। इन्हें जियोग्लिप्स कहते हैं। इन ड्राइंग्स में जानवर, फूल और यहां तक कि इंसानों से मिलते जुलते जीव भी शामिल हैं। करीब 518 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली इन लाइंस और फिगर्स को मिलाकर नाजका लाइंस का नाम दिया गया है। नाजका लाइंस में आप कह सकते हैं कि जमीन पर बने कई विशाल काय चित्र और आकृतियां शामिल है। इसमें हर तरह के आकार हैं, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स, लाइंस, जानवर, मछली, पक्षी भी। चौंकाने वाली बात यह है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर बने हैं और इन्हें सिर्फ आसमान से ही देख सकते हैं। ऐसी करीब 800 रेखाएं बनी हैं, 70 से ऊपर जानवर और 150 से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। जमीन पर अलग अलग फिगरीन्स के ग्लिप्स बने हुए हैं। ऐसी लाइंस हैं जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई हैं और रनवे जैसी लगती हैं, और कोई कोई मैथमेटिकल डायग्राम्स लगते हैं जो हजारों साल पहले बने हैं, जो अपने आप में सवाल पैदा करते हैं कि ये क्यों बने होंगे। इन्हें देखकर ऐसे कई सवाल उठते हैं जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला, और हो सकता है कि इसका जवाब कभी ना मिले। सबसे बड़ी आकृति करीब 300 मीटर की है, दूसरे शब्दों में 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर, और सबसे लंबी लाइन करीब 14.5 किलोमीटर लंबी है। कुछ प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये रहस्यमय अर्थ ड्राइंग्स नाजका ने बनाई थी। वो प्राचीन लोग जो इस इलाके में पहली सदी से लेकर 8वीं सदी तक फले फूले। ये लाइंस इस रेगिस्तानी सतह से लाल रंग के आयरन ऑक्साइड पत्थरों को बड़ी होशियारी से हटाकर बनाई गई है। सतह से पत्थर हटने के बाद नीचे की काफी ज्यादा चूने वाली जमीन सख्त होकर कटाव होने से बची रही। नाजका की जमीन अलग अलग रंगों की परतों से बनी है। हल्के रंग की मिट्टी और पत्थर की धारियां, काले रंग की मिट्टी और पत्थर की धारियां। देखने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जमीन से काले रंग की सतह को हटाकर पूरे इलाके में अंदर से निकली सफेद रेखाओं से ये आकृतियां बनी है, मानो किसी कैनवस पर तस्वीरें उतारी गई हों। आप देखिए, हजारों सालों से ये ऐसे ही बरकरार हैं। इनका इतने सालों तक ऐसे ही बने रहना इसलिए मुमकिन हो पाया
क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है। अगर आप नाजका रेगिस्तान जैसे वातावरण में आज भी कोई जियोग्लिफ बनाएंगे तो वो हजारों सालों तक रहेगा। यहाँ बरसात कम होती है, हवाएं ज्यादा नहीं चलती, आप यहाँ कुछ भी बनाइए वो सदियों तक रहेगा। पर नाजका लोगों को धरती पर ऐसी विशालकाय और अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई और वो इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते थे और इन ड्राइंग्स को ऐसा क्यों बनाया कि ये सिर्फ आसमान से ही देखी और सराही जा सकें उस दौर में जब एयरक्राफ्ट भी नहीं आप थे। आप इन्हें तभी अच्छे से देख सकते हैं जब आप ऊपर आसमान में हो। ऐसा माना जाता है कि जो भी नाजका प्लेटो में रहते थे वो एक तरह से गुब्बारे की उड़ान भर सकते थे ताकि वो आसमान से जमीन पर बनाई इन आकृतियों का आनंद ले सकें। अगर नाजका के लोगों के पास उड़ान भरने के लिए गुब्बारा होता तो स्पेनिश इतिहासकारों ने इसका जिक्र जरूर किया होता, पर इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि नास्कंस के पास हॉट एयर बलून्स थे। होते तो वो जरूर लिखते, पर उन्होंने नहीं लिखा, इसका मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। इससे यही साबित होता है कि जरूर और कोई एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी रही होगी और इन नाजका लाइंस की खासियत यही सामने आती है। ये देखने में तो आपको बहुत ही आसान लगती हैं, जिन्हें सिर्फ ऊपरी सतह को हटाकर बनाया गया है, पर इन फिगर्स का आकार इतना बेमिसाल है कि ये काम अपने आप में काबिले तारीफ लगता है। नाजका में कई लाइंस ऐसी हैं जो कई किलोमीटर तक रेगिस्तान के बीचों बीच गई हैं, वो भी बिल्कुल सीधी। इनमें बहुत से ट्रेपोजॉइड्स, स्पाइरल्स और क्लिप्स बने हैं जो इतने बड़े हैं कि सर्वे करने वालों को आसमान से भी एक सही पोजीशन से उन्हें समझना पड़ा। नाजका लाइंस में इन्हीं बारीकियों को बनाने के लिए किसी तरह के एलियंस या दूसरी दुनिया के जीवों की मदद ली गई होगी। '1987 में मैं पेरू में एक महीना रही। मैं एक पायलट के साथ नाजका के ऊपर भी गई। पायलट ने जो मुझे पहला पैटर्न दिखाया वो था करीब 9.5 किलोमीटर लंबा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के लेजर सर्वेस भी कराए गए जो एकदम सटीक बैठे, और देखने से लगता है कि इस ट्रायंगल के पूरे क्षेत्र को करीब 24 इंच नीचे दबाया गया है। भला कोई भी नाजका के इस रेगिस्तान में करीब 9.5 किलोमीटर लंबे परफेक्ट ट्रायंगल को जमीन में कैसे धंसा सकता है? आखिर ये काम किस टेक्नोलॉजी का था? यकीनन ये काम प्राचीन लोगों का नहीं था। प्राचीन नाजका लोगों ने आसमान में उड़ पाने की काबिलियत और एडवांस टूल्स की मदद के बिना ये विशाल जियोग्लिफ आखिर कैसे बनाए होंगे? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के अनुसार ये रहस्यमय लाइंस किसी दूसरी दुनिया के जीवों की मदद से बनाई गई है। क्योंकि ये डिजाइन सिर्फ और सिर्फ ऊपर आसमान से ही दिखाई देते हैं, ये इस बात पर जोर डालता है कहीं ना कहीं ये लाइंस आसमान से आए देवताओं के लिए रास्ता दिखाने का काम करती थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जब आसमान से एलियन जमीन पर उड़कर आए तो उन्हें रास्तों का पता रहे। चलिए ये मानते हैं कि एलियंस उस जमाने में जमीन पर मानव रहित यान भेजते थे, जैसे एक रोवर जो हमने मार्स पर भेजा है जिसका काम था सैंपल्स इकट्ठा करना, और वो उस रेगिस्तान में घूमता होगा और अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ता गया और वहाँ के लोगों ने ये देखा होगा और उन्होंने आपस में कहा होगा, अरे वाह, लगता है हमारे यहाँ देवता आए हैं। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता है उन देवताओं ने जमीन पर रहने वालों को ऐसा बनाने के लिए कहा हो, हो सकता है उन्होंने इसे बनाने के गुण भी सिखाए हो। देखने वाली बात यह है यहाँ कई ज्योमेट्रिक लाइंस भी है, तो क्या ये सब ऊपर से आए जीवों ने सिखाया होगा उन कम अक्ल जीवों को जो यहाँ पृथ्वी पर रहते थे? आज 1500 साल बाद भी हम सवाल पूछ रहे हैं, पर सच तो ये है आज भी लोग उतने ही आश्चर्यचकित है और इससे न जाने कितने ही मत जोड़े जाते हैं। तो क्या वाकई ये नाजका लाइंस किसी दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आने वाले जीवों के लिए रास्ता दिखाने के संकेत थे, या फिर इन्हें हजारों लाखों साल पहले एलियंस से हुई मुलाकात की यादगार के तौर पर बनाया गया था?
आधुनिक युग के इतिहासकार और मानव विज्ञानियों का मानना है कि नाजका लोग इनका सभ्यता के कई पूर्वजों में से एक थे। प्री कोलंबियन अमेरिका में इनका ही सबसे बड़ी सभ्यता थी। 13वीं सदी में दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों के इलाके में इनका सभ्यता फली फूली। प्राचीन सभ्यताओं के मुताबिक रहस्यमयी इनकन क्रिएटर गॉड विराकोचा ने ही अतीत में नाजका लाइंस और ग्लिप्स बनाए थे। कहा गया है कि इन्हें खुद विराकोचा ने ही बनाया है, जो एंडीज के महान शिक्षक देवता थे। ये कहां से आए थे इसका अब तक किसी को पता नहीं। हो सकता है वो सुमेरिया से आए हों, हो सकता है वो कहीं ना कहीं अनुनाकी से जुड़े हों, कोई इसके बारे में नहीं जानता। पर इन महान देवताओं की वही कहानियां, वही चर्चे हमें पूरी दुनिया में सुनने को मिलते हैं, खासकर अमेरिका में। साथ ही इन्हें क्रिएशन माइथोलॉजी से भी जोड़ा जाता है और यहाँ बनी हुई इनकी कुछ आकृतियों को खुद देवता माना गया है, या कहिए उस क्रिएशन माइथोलॉजी से जोड़ा जाता है जिसमें यहाँ रहने वाले लोग और जिन्होंने ये जियोग्लिफ्स बनाए हैं वो अस्तित्व में आए। ये वो मैसेजेस थे जिन्हें ऊपर आसमान में रहने वालों के लिए लिखा गया था, जिनका मतलब था कि हम अभी भी उन्हीं नियमों से चल रहे हैं जो देवताओं ने बनाए थे। वो आसमान से धरती के लोगों को सभ्यता के बारे में बताने और उसे आगे बढ़ाने के गुण सिखाने आए थे। जैसा कि प्राचीन कथाओं में लिखा गया है, क्या वाकई नाजका की लाइंस और ग्लिप इनका देवता विराकोचा नहीं बनाए थे? अगर हाँ, तो जमीन पर ऐसे अजीब और विशाल काय जियोग्लिप्स बनाने की वजह क्या हो सकती है? शायद इसका जवाब नाजका की सबसे रहस्यमय फिगर की बारीकी से जांच करने पर मिल सकता है, जिसे एल एस्ट्रोनॉटो के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड, 1968। शोधकर्ता और लेखक एरिक वॉन डेनिकन ने अपनी पहली किताब चैरिट्स ऑफ द गॉड्स प्रकाशित की। इसमें उन्होंने इस क्रांतिकारी सोच को उजागर किया कि ये नाजका लाइंस नाजका लोगों ने तब बनाई जब उन्होंने एलियंस को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और गणित के जटिल ज्ञान का इस्तेमाल करते देखा। एरिक वॉन डेनिकन उन पहले इंसानों में से थे जिन्होंने ऊपर आसमान से इस इलाके को देखा था। उन्होंने न सिर्फ मैदानों की लाइंस की जांच की बल्कि नाजका की पहाड़ियों को भी देखा, जहां ऐसे जटिल मैथमेटिकल डायग्राम्स मिले जिनका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था। जब आप इस रेगिस्तान से उड़ते हैं तो आपको लंबी लंबी लाइंस दिखाई देती हैं और आसमान से देखने पर ऐसी लगती हैं मानो ये कोई हवाई पट्टी हो। ये कहीं भी खत्म हो जाती हैं और कहीं से भी शुरू हो जाती हैं और कहीं कहीं तो एक दूसरे को काटती भी हैं। जब एरिक ने कहा कि ये किसी हवाई पट्टी का जाल लगता है तो ये विचार उन्होंने आसमान से देखकर बनाया था जब उन्होंने हवा से इन लाइंस को देखा। पर असल में ये कोई रनवेज नहीं है क्योंकि यहाँ की जमीन एक विमान का वजन नहीं झेल सकती है। कुछ कहते हैं कि ये रनवे रहा होगा, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं खुद 6 सालों तक एयरफोर्स में रहा हूँ और हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट में इस तरह के रनवे पर लैंडिंग करने की क्षमता नहीं थी। मुझे ये ध्यान खींचने का जरिया लगता है। आप इन लाइंस को स्पेस से देख सकते हैं तो हो सकता है ये एक तरह के सिग्नल हो। चैरियट्स ऑफ द गॉड के प्रकाशित होने के 4 दशक बाद भी एरिक वॉन डेनिकन के नाजका लाइन से जुड़ी विवादित थ्योरीज आज भी दुनिया भर में शोध का विषय है। कुछ स्कॉलर्स कई डिजाइन्स में बने अजीबोगरीब पैटर्न्स को देखकर ये मानते हैं कि नाजका लाइंस अप्लाइड ज्योमेट्री के शुरुआती उदाहरणों में से एक हो सकती है। इनमें इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, मतलब वो फिगर बना सकते हैं और तो और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। एकदम सटीक एंगल्स बने हैं, बराबर दूरियां रखी गई हैं। ये दर्शाता है कि शुरुआती दौर से ही ज्योमेट्री का ज्ञान प्राचीन कलाकारियों में भी झलकता था। इस नाजका के इलाके की एक और खास बात यह है कि इनमें से किसी न किसी का अपने ठीक ऊपर के आसमान से बहुत ही गहरा और इंटरेस्टिंग रिश्ता है।
इनमें एक मशहूर ग्लिफ स्पाइडर का है जिसकी एक टांग थोड़ी लंबी है और अगर आप इसे उल्टा करते हैं या ये कहिए इसकी मिरर इमेज को देखते हैं तो आपको साफ नजर आएगा कि ये स्पाइडर ओरायन तारामंडल को दर्शा रहा है और इस स्पाइडर की लंबी टांग सीरियस तारे को दर्शाती है। तो जिन्होंने भी नास्का के इस इलाके में ये डिजाइन बनाए हैं वो उन बातों को अच्छे से जानते थे जो उनसे पहले की प्राचीन सभ्यताएं समझती थी, जो ये थी कि ओरायन और सीरियस तारे का आपसी महत्व और उनके पृथ्वी से रिश्ते को समझना बहुत ही जरूरी है। मगर क्या नास्का फिगर्स के पीछे कोई और खास मकसद भी हो सकता है? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इन्हें देवताओं को संदेश भेजने के लिए बनाया गया था, ऐसे संदेश जिनमें उन्हें लौटकर आने की फरियाद की गई थी। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का यकीन है कि एल एस्ट्रोनॉटो की रहस्यमय फिगर में नास्का के राज छुपे हो सकते हैं। इसे हम स्पेसमैन भी कहते हैं। ऐसा लगता है मानो उसने स्पेस हेलमेट जैसी कोई चीज पहनी और एक हाथ ऊपर उठाकर किसी तरफ इशारा कर रहा हो, और ऐसा लगता है मानो ये खुद दूसरी दुनिया से आया हो, या फिर अगर ये कोई एलियन नहीं है तो हो सकता है ये खुद नास्का का एक शख्स होगा जो उन एलियन को हाथ दिखा रहा है और कह रहा है हम यही है, आइए यहाँ लैंड कीजिए, हम जानते हैं आप पहले भी आए हैं, प्लीज दोबारा आइए। यहाँ एक ऐसा फिगर है जो एलियन की तरह लगता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ा सिर है और एक हाथ आसमान की तरफ है तो दूसरा जमीन की ओर, और इसमें भी एक तरह का संदेश है जैसे मानो कह रहा हो देखो यहाँ एक घटना घटी थी, यहाँ पर बाहर की दुनिया से कुछ लोग आए थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एक एल एस्ट्रोनॉटो नाम की ये रहस्यमय फिगर अतीत में पृथ्वी पर एलियंस के आने का सबूत है। अगर ऐसा है तो क्या इससे इस सवाल का जवाब भी मिलता है कि आखिरकार एलियंस नास्का में उतरे ही क्यों थे? हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रिस्डेन से साइंटिस्ट को नास्का भेजा। उन्होंने वहां का मैग्नेटिक फील्ड नापा और उन्हें कुछ लाइंस के नीचे मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव भी नजर आया। साथ ही हमने लाइंस पर और उसके पास की जमीन पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को भी मेजर किया, और हम ये देखकर हैरान रह गए कि लाइंस पर हमें 8000 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन मिला। इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि इनमें से एक लाइन के 8 फुट नीचे मैग्नेटिक फील्ड वाकई बदलता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जमीन में कुछ तो है पर हमें नहीं पता कि क्या है। क्या ये मुमकिन है कि पृथ्वी की किसी खास चीज ने एलियंस को नास्का की तरफ आकर्षित किया हो, या फिर ये उनके द्वारा बेशकीमती धातुओं की खोज के अभियान के लिए कायम की गई कोई चौकी थी, या उनके रॉकेट फ्यूल के लिए जरूरी मिनरल्स की खोज उन्हें यहाँ ले आई थी? ऐसा कहा जाता है कि अगर एलियंस को धरती पर आना हो तो उनकी लैंडिंग के लिए नास्का सबसे उपयुक्त जगह है। नाइट्रेट्स और दूसरी जरूरी चीजें जो आज के जमाने में प्रोपल्शन में इस्तेमाल होती हैं, यहाँ भारी मात्रा में मिलती हैं। हो सकता है कि एलियंस जानते हो कि ये जगह उनके लिए ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है, और फिर प्राचीन इंसान ने ऐसी आकृतियां बनाई, ऐसी हवाई पट्टियां बनाई कि उन्हें दोबारा बुलाया जा सके। हमें ये भी पता चला है कि नाज़का सभ्यता जिस वातावरण में पनपी वहाँ नाइट्रेट्स की मात्रा ज्यादा थी और उनके लिए नाइट्रेट्स किसी काम के नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या नाइट्रेट उन लोगों के लिए खास था जो इस इलाके में प्राचीन काल में आए थे? हो सकता है कि एलियंस इस नाइट्रेट की खूबियों के बारे में जानते थे। आज भी नाइट्रेट का इस्तेमाल सबसे जबरदस्त और खास टेक्नोलॉजी में किया जाता है, उनमें से एक है स्पेस ट्रेवल। तो क्या एलियंस के नास्का में आने की कोई दूसरी और बड़ी वजह हो सकती है जिसका अंदाजा हमें अभी तक नहीं है? और क्या ये मुमकिन है कि नास्का में अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद एलियंस द्वारा इसे छोड़ दिया गया हो? किसी भी प्रोसेस या कहिए किसी भी प्रोजेक्ट में एक ऐसा वक्त आता है जब कुछ चीज खत्म हो जाती है।
और इसीलिए यहाँ उन एलियंस का आना बंद हो गया, क्योंकि वो फिर किसी और जगह की खोज में चले गए। तो अब वो एलियंस नाज़का क्यों आएंगे? नाज़का की कुछ लाइंस सीधी एंडिस से गुजर रही हैं, और ये लाइंस सुदूर पूर्व की तरफ इशारा करती हैं। पर अगर नाज़का किसी जमाने में एलियंस द्वारा इस्तेमाल की गई प्राचीन खदान थी, तो क्या पृथ्वी पर कहीं और भी ऐसी साइट्स मौजूद हो सकती हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक ये मौजूद हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरी खोई हुई सभ्यता के खंडरों में। पश्चिमी बोलीविया, नाज़का मैदान से करीब 650 किलोमीटर पूर्व में टिटिकाका झील के नजदीक सदियों से खामोश खड़े हैं टिहुओनाको के प्राचीन खंडहर। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये प्राचीन शहर टिहुओनाको संस्कृति की राजधानी था, जो यहाँ 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक फलती फूलती रही। लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि शायद टिहुओनाको वही जगह है जिसकी ओर ये रहस्यमयी नाज़का लाइंस इशारा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? नाज़का लाइंस की बात करते हैं तो हमें उनके पीछे छुपे हुई बातों पर भी गौर करना होगा। इन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नाज़का लाइंस की तरह हमें भले ही और उदाहरण देखने को ना मिले, पर ये रीति रिवाजों और रस्मों को निभाने वाली जगहों के बीचों बीच मौजूद है, और इसमें बाकी दूसरी सभ्यताओं के मशहूर जगहें भी हैं, जैसे टिहुआनाको। टिहुआनाको में हमें सैकड़ों ग्लिफ्स मिली हैं, कई चेहरे मिले हैं और अलग अलग चीजों की बारीक नक्काशियां भी मिली हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार टिहुआनाको को नाज़का से जुड़े इनका देवता विराकोचा के आदेश पर आसमान से आए लोगों के सम्मान में बनवाया गया था। तो क्या ये आसमानी लोग वही एलियंस थे जिन्होंने हजारों साल पहले नाज़का लाइंस को बनाने में मदद की थी? प्राचीन एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इस सवाल या निशान पर हां की मोहर लगाते हैं। एक सोच के मुताबिक नाज़का पेरू के तट पर बने एक पड़ाव की तरह है। ऐसा लगता है जब कोई अपने एयरशिप से नाज़का पहुंचेगा तो ये लाइंस खुद उसे सही रास्ता दिखाकर एंडस से होते हुए टिहुआनाको और प्यूमापुंकु के विशाल शहरों तक पहुंचा देगी। लेकिन क्या टिहुआनाको में एलियंस की मौजूदगी के कोई और सबूत भी मौजूद हैं? वो सबूत जो हमें प्राचीन काल में नाज़का आने वाले एंशिएंट एलियंस के असली मंसूबों से वाकिफ करवा सके। पेरू के दक्षिणी हिस्से पर फैली नाज़का संस्कृति और भीतरी हिस्से में मौजूद संस्कृतियां, जैसे टिहुआनाको की एंडियन संस्कृतियां, पुमापुंकु और कुज़्को में कई समानताएं हैं। इस पूरे इलाके में उन्हें ऐसे लंबे सिरों वाली खोपड़ियों के सबूत मिले हैं, और ये किसी एक इलाके में नहीं अलग अलग जगहों पर मिले हैं। ऐसा लगता है जैसे ये इस जगह को बसाने वाले लोगों की खोपड़ियां हैं। इस इलाके में मौजूद अरे को कब्रिस्तान में ये लंबे सिर वाली खोपड़ियां मिली हैं। ये खोपड़ियां आकार में इंसानी खोपड़ी से 25% ज्यादा बड़ी हैं। सवाल ये है कि ये आई कहां से? कई विद्वान आलोचक वजह बताने के लिए ये कह सकते हैं कि इनका सभ्यता के लोग अपने बच्चों के सिरों को किसी तरह के कंबल या कपड़े से बांध देते थे ताकि उनके सिर लंबे हो सके। ये कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर था। इसके खिलाफ भी कई तर्क दिए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक भी सांस्कृतिक सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि इनका सभ्यता के लोग अपने सिरों को बांध कर रखते थे। आप परूवियन हेड्स को लेकर भी आर्कियोलॉजिस्ट में छिड़ी बहस पर गौर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि एलियंस जो हजारों साल पहले यहाँ आए थे, उनके सिर बहुत लंबे थे और हमारे पूर्वज उनकी नकल करना चाहते थे। उन्होंने नकल की कोशिशें की क्योंकि वो एलियंस जैसा बनना चाहते थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा था।
वो अपने बच्चों के शरीर में बदलाव कर रहे थे ताकि उनके शरीर को देवताओं जैसा बनाया जा सके। और जाहिर है इस काम को करने के लिए नाजका के लोगों ने देवताओं के साथ हुई मुलाकातों को अच्छे से याद रखा था। लेकिन अगर सिरों को बांधने से उनके लंबे होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है या अगर इसकी कोई इंसानी वजह नहीं है तो इनकी और क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी वजह इस दुनिया से दूर कहीं सितारों में मौजूद है? शायद ये इंसान और एलियन के मिलन से बनी किसी मिली जुली नस्ल के प्रमाण है। ऐसी प्रजाति जो न सिर्फ पश्चिमी पेरू में बल्कि प्राचीन मिस्र में भी बसती थी। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के अनुसार इसका जवाब यकीनन हाँ है, और वो सबूत के रूप में नाज़का लोगों और वेराकोचा देवता के बीच किसी कड़ी के जुड़े होने की बात करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वेराकोचा को इन सभी जगहों का निर्माता भी कहा जाता है। क्या वो भी यहाँ आने वाले उन लंबी खोपड़ियों वाले लोगों की प्रजाति का हिस्सा थे, और क्या उन्होंने ही यहाँ के विशाल पत्थरों के इन टेंपल्स और नाज़का लाइंस को बनाया था? वो चीज जो शायद उतनी ही रहस्यमय है जितना कि लंबे सिरों वाली खोपड़ियों का स्रोत, वो है नाज़का लोगों का अंत। ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक नाज़का और टिहोनाको दोनों ही करीब करीब एक ही समय अचानक लुप्त हो गए थे, आज से लगभग 1000 साल पहले। मेरे ख्याल से इन सभ्यताओं का ताल्लुक पेरू के रेगिस्तान में बनी नाज़का लाइन से था, लेकिन किस हद तक शायद जवाब हमें नहीं पता। इन सभ्यताओं से जो जानकारी हमें मिली है वो ये बताने के लिए काफी है, लेकिन दोनों ही किसी अनजान वजह से एक साथ गायब हो गई। शायद उस वक्त जमीन में कोई बड़ी दरार आई थी या फिर कोई भयानक भूकंप आया था, जिस वजह से टिटिका झील में आई बाढ़ ने पूरे इलाके को खत्म कर दिया, या फिर शायद एलियन के बीच किसी आकाशीय युद्ध का नतीजा था। लेकिन कभी माइनिंग सेंटर रह चुकी इस इलाके की ये राजधानी तबाह हो गई और फिर कभी नहीं बसी, और नाज़का एक ऐसा पिछड़ा इलाका बनकर रह गया जहां फिर कभी कोई चहल पहल नहीं हुई। और शायद इसी दौरान ये सारी लाइंस और आकृतियां बनाई गई थी ताकि एलियंस का ध्यान इनकी ओर खींचा जा सके। क्या नाज़का के आसपास की जगहों से मिली लंबे सिरों वाली ये खोपड़ियां हजारों साल पहले एलियंस के यहां आने का सबूत पेश करती हैं? अगर ये सच है तो क्या ये मुमकिन है कि दूसरी दुनिया के जीव यहां बेशकीमती धातुओं की खुदाई के लिए आए थे और बाद में रहस्यमय ढंग से बेशकीमती खनिजों के ये स्रोत नष्ट हो गए? शायद इस सवाल के जवाब की तलाश हमें पूरी दुनिया में मौजूद रहस्यमय टीलों और क्रॉप सर्कल्स में करनी चाहिए। प्लेजेंट हिल, ओहायो, साल 1848। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ने 1350 फुट लंबे और 3 फुट ऊंचे पलखाए सांप की आकृति जैसे टीले पर सर्वे किया। नाज़का रेखाओं और आकृतियों की तरह ही सर्पेंट माउंट के नाम से मशहूर इस सर्पाकार आकृति को सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। नाज़का की ही तरह इन टीलों को भी आसानी से पहचाने जाने वाले संकेतों के रूप में बनाया गया है, और जब तक आप इन्हें ऊंचाई से नहीं देखते आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। नेटिव अमेरिकन गाथाओं में इसे प्लूम सर्पेंट कहा जाता है, जो शायद मेक्सिको के कबीलों में मशहूर क्विंजोकोटल जैसा ही है। प्लूम सर्पेंट की थ्योरी शायद आसमान से आने वाली किसी चीज से जुड़ी है। ये किसी बाहरी दुनिया की निशानी है। सर्पेंट माउंट और कई दूसरी जगहों को कबीले के लोग इबादतगाह कहते थे। इन जगहों का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे ग्रह की तंदुरुस्ती से जुड़ी हुई हैं।
फिर चाहे वो मैग्नेटिक सिस्टम हो या फिर ले लाइंस हो या फिर यहाँ आने वाली दूसरी दुनिया के लोगों का हम पर नजर रखना हो जो शायद हमसे पहले मौजूद थे। इतिहासकार और मानव वैज्ञानियों के अनुसार फोर्ट एंशिएंट पीपल कहलाने वाले अमेरिका के मूल निवासियों ने इन टीलों का निर्माण करीब 1000 साल पहले करवाया था, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या थी? सर्पेंट माउंड एक बेहद अनोखी जगह है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे अहम जगहों में से एक है। लगता है जैसे कोई यहाँ ऊपर से गुजरने वाले प्राणियों का ध्यान अपनी ओर खींचकर कहना चाहता हो कि वो एक खास जगह पहुंच गए हैं। मगर उन साधारण आदि मानवों ने धरती पर इस विशाल कलाकृति की रचना आखिर क्यों की होगी? नाज़का रेखाओं और आकृतियों जैसी ही रचना जो सैकड़ों सालों तक जमीन पर रहने वालों की नजरों से बची रही। हालांकि हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि ये सर्पिट माउंट यानी सर्प टीला एक उल्का पिंड से बने गड्ढे के मुहाने पर बना हुआ है जो करीब 20 करोड़ साल पहले यहाँ गिरा था। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर टीले और उल्का पिंड के गड्ढे की ये नजदीकी अक्सर उल्काओं में पाए जाने वाले एक बेहद दुर्लभ और बेशकीमती तत्व इरिडियम के लिए रखी गई थी? इरिडियम में जबरदस्त कंडक्टिव एबिलिटीज होती है जो हमारे सबसे दुर्लभ तत्वों में से एक है, और ये सिर्फ कुछ अनोखे इलाकों में पाया जाता है, जिसके दो कारण। या तो वहाँ कभी कोई उल्का पिंड गिरा होगा या वहाँ ज्वालामुखी हलचल होगी और लावा बहता होगा। ओहायो के सर्पेंट माउंट और इस जैसी कई दूसरी जगहों को देखते हुए हमें किसी तरह के ऊर्जा स्रोत का एहसास होता है जो या तो इन जगहों को ऊर्जा देता था या ये आज भी इरिडियम और दूसरे शानदार तत्वों से भरा हुआ है। और अगर एलियंस इन जगहों से वाकिफ होंगे तो शायद वो ऊर्जा की तलाश में यहाँ आते होंगे। इस जगह पर इरिडियम का कंसंट्रेशन हमारी उम्मीद से 10 गुना ज्यादा है। सर्पेंट माउंट सही मायनों में इरिडियम की खोज में यहाँ आए दूसरी दुनिया के लोगों की याद दिलाता है जो शायद प्राचीन काल में यहाँ आए थे या फिर हाल ही में। यहाँ ग्रेविटेशनल एनोमलीज भी हैं। जब आप ओहायो के सर्पेंट माउंट पर पहुँचते हैं तो इसके मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स का एहसास होता है और ये आपके होशो हवास पर असर डाल सकता है। ऐसी संभावनाओं की कमी नहीं है कि इन्हें जानबूझकर ऐसी जगहों पर बनाया गया। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट रिसर्चर्स के अनुसार ये सर्पेंट माउंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के द्वारा ऊर्जा की खोज में इरिडियम पर पहुँचने के लिए बनाया गया कोई निशान था। अगर ये सच है तो यहाँ की जमीन और नाज़का के मैदानों में मिली ऊर्जा के बीच कोई संबंध है। शायद दुनिया भर में पाए जाने वाले रहस्यमय क्रॉप सर्कल्स के अध्ययन द्वारा ये गुत्थी सुलझाई जा सकती है। विल्शायर, इंग्लैंड, साल 1978। यहाँ लंदन से करीब 145 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद है ये शांत देहाती इलाका जहां रातों रात गेहूं और मक्का के खेत में क्रॉप सर्कल्स उभर आए थे। नाज़का में मिले जियोग्लिप्स की तरह इन जियोमेट्रिक शेप्स के डिजाइन को भी सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। माना जाता है कि खेतों पर कोई किसी किस्म की एनर्जी बॉल मंडरा रही थी और फिर अचानक ही क्रॉप सर्कल्स के रूप में ये पेचीदा डायग्राम बन गए। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर नाज़का में एलियंस के मौजूद होने के निशान हैं, तो मुमकिन है कि आज भी वो इन सर्कल्स के जरिए हमें संदेश दे रहे हों। प्राचीन आकृतियों और आधुनिक क्रॉप सर्कल्स के बीच कोई तो रिश्ता है, और ये उन्ही लोगों की सौगात है जिन्हें हम दूसरी दुनिया के जीव कहते हैं, और ये उनकी हायर टेक्नोलॉजी का सबूत है। भले ही कई प्रमुख वैज्ञानिक अभी भी ये स्वीकार नहीं करते कि क्रॉप सर्कल्स और एलियंस के बीच कोई संबंध है, लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट को यकीन है कि इस मामले में सच्चाई हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा विचित्र हो सकती है। बेशक कुछ क्रॉप सर्कल्स किसानों द्वारा दुनिया को झांसा देने की शरारतों का नतीजा हो सकते हैं, लेकिन कई अभी भी एक पहेली है। इन्हें बेहद तेजी और सटीक बारीकी के साथ बनाया गया है। कुछ आकृतियां तो आसमान में अनोखी रोशनियां दिखाई देने के चंद घंटों के दौरान ही जादू की तरह उभर आए। क्या इन विचित्र आकृतियों और नाज़का में मिले रहस्यमय डिजाइन के बीच कोई संबंध है? लोगों को लगता है कि ये क्रॉप सर्कल्स किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाए हैं,
या ये किसी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस का कमाल है? ये ऐसे जीवों ने बनाए हैं जो शायद हमें कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम इन क्रॉप सर्कल्स और नाजका लाइंस के बीच कोई रिश्ता ढूंढना चाहें, तो एक को रेगिस्तान की जमीन पर बनाया गया है और दूसरे को मकई के खेतों में, लेकिन दोनों के डिजाइन बिल्कुल एक जैसे हैं और शायद इनमें एक ही संदेश छुपा हुआ है जिन्हें दो अलग अलग देशों में अलग अलग वक्त पर देने की कोशिश की गई है। पहले संदेशों को पत्थरों में उकेरा जाता था और अब दुनिया भर के खेतों में, खासकर इंग्लैंड में, क्रॉप सर्कल्स बनाए जा रहे हैं और ये नाजका में मिले डिजाइन से कहीं ज्यादा पेचीदा है। ऐसा लगता है शायद बाहरी दुनिया के लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा कोई है जो हमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं कि इन संदेशों को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको अचानक ही किसी सुबह खेत में एक सिंपल सर्कल दिखाई देता है और हम ये सोचते हैं कि ये सर्कल तो रातों रात हवा ने या किसी जानवर ने बना दिया होगा। दरअसल हम इतने घमंडी हैं कि उनसे बात ही नहीं करना चाहते। क्या नाजका लाइंस और क्रॉप सर्कल्स के बीच सचमुच कोई गहरा संबंध है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं। और क्या इनमें कोई ऐसा संदेश छिपा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? अगर हाँ, तो वो जीव हमसे क्या कहना चाहते हैं? शायद इसका जवाब हमें इतनी ही रहस्यमय दूसरी जियोग्लिप्स में मिल सकता है, जिन्हें करीब 2000 सालों के बाद हाल ही में ढूंढा गया है। साल 2011, मिडिल ईस्ट। सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी द्वारा पत्थर के अनेकों रहस्यमय पहियों का पता चला, जिन्हें सऊदी अरब, सीरिया और जॉर्डन की जमीन पर बनाया गया था। 1927 में पहली बार खोजे गए हजारों की तादाद में मौजूद ये पहिए 2000 सालों से भी पहले बनाए गए थे। इनमें से किसी की चौड़ाई करीब 25 मीटर है तो किसी की 60 मीटर से भी ज्यादा। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के अनुसार ये डिजाइन दुनिया भर में पाई गई अन्य रहस्यमय आकृतियों से मिलते जुलते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन सभी चीजों के निर्माण के पीछे किसी बहुत ही बुद्धिमान जीव का हाथ है और इनके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। किसी ने औजारों की मदद से इन शानदार सर्कल्स को बनाया है और यही चीज यहाँ से मीलों दूर पेरू में भी दिखाई देती है। पेरू एक गोलार्ध में है और जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरब दूसरे गोलार्ध में, और दोनों हमारे ग्रह के विपरीत हिस्सों में हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज है, यानी एक ही तरह के संदेश की जबान बोल रहे हैं। गूगल अर्थ की वजह से अब हमारे पास ऐसे जरिए हैं जिनसे हम इन आकृतियों को देख सकते हैं जो विशेष संदेश देती हैं। इनके उदाहरण दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से हम अभी अपने सबक के पहले पन्ने पर हैं, जिसमें हमने इन आकृतियों और ढांचों को सिर्फ आसमान में देखा है। अभी बहुत कुछ बाकी है। सिर्फ नाजका में ही प्राचीन मानव ने स्वर्ग से संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि पूरी दुनिया में हमें ऐसे नए नए स्मारक और ऐसी आकृतियां मिल रही हैं, जो कि सवाल उठाती है कि क्या ये सभी स्थान भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनकी मदद से किसी जमाने में एलियंस यहाँ आते थे। नाजका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में मिली इन अनोखी रचनाओं और आकृतियों के पीछे क्या मकसद है? क्या प्राचीन अंतरिक्ष यात्री इन्हें दिशा सूचकों की तरह इस्तेमाल करते थे, या फिर इनमें इंसानों के लिए वाकई कोई गहरा संदेश छिपा है? साल 1972 में कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन ने ये वक्तव्य दिया कि अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियन इंटेलिजेंस मौजूद है, तो उसे सिर्फ गणित की भाषा के जरिए ही संपर्क किया जा सकता है। अगर आप इसे संपर्क के नजरिए से देखते हैं, जैसा कि कार्ल सेगन ने भी कहा था, कि हमें इस नए नजरिए से चीजों को नए सिरे से देखने की जरूरत है। एक सर्कल तो बस एक सर्कल है और ये ज्योमेट्री एक यूनिवर्सल फीचर को दर्शाता है। आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, ये बदलने वाला नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि दूसरी दुनिया के जीव बेसिक मैथमेटिक और ज्योमेट्री के जरिए हमसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं? इसके सबूत नाजका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में बनी आकृतियों के रूप में हमारी नजरों के सामने है। क्या एलियंस इंसानों को लगातार सैकड़ों बल्कि हजारों सालों से संदेश भेजते आ रहे हैं?
वो संदेश जिन्हें हम इंसान अपनी बुद्धिमता की हद से बाहर होने के कारण समझ नहीं पा रहे। सोचिए कि आप दूसरी दुनिया से इंसानों को रूबरू करवाना चाहते हैं। आप एक बार में एक ही कदम उठाएंगे और आप हर कदम पर कोई एक आकृति या क्रॉप सर्कल इमेज बनाएंगे जो दूसरी आध्यात्मिक दुनिया के संदेशों से भरी होगी, जिनमें न सिर्फ ज्ञान भरा होगा बल्कि दूसरी दुनिया की मौजूदगी का एहसास भी होगा। नाज़का सभ्यता में एक चीज हमें साफ तौर पर दिखाई देती है कि वो कुछ ऐसा बना रहे थे जो सदियों तक टिका रहेगा। सैकड़ों सालों बाद वो आज भी मौजूद हैं। और शायद हमें अजीब लगे कि वो इनके जरिए अपने देवताओं से कहना चाहते थे कि प्लीज हमारी दुनिया में वापस आ जाइए। आज निर्माण के हजारों साल बाद नाज़का लाइंस प्राचीन एलियन थ्योरी के लिए एक बिलबोर्ड बन गई है। माना जाता है कि वाकई देवता इसी जमीन पर उतरे थे। तो हो सकता है वक्त, जगह और सभ्यताओं के बदलने के साथ नाज़का लाइंस का मूल संदेश वही रहे, भले ही उसका तरीका एक दूसरे से अलग हो सकता है। जब आप नाज़का के कुछ ग्लिप्स पे नजर डालते हैं तो वो आपको आम चीजों जैसी ही नजर आती है, जैसे जानवर, कोई फिगर या कोई ऐसी ही दूसरी चीजें। पर वहीं कुछ दूसरे फिगर्स और लाइंस हैं जो जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लिकेटेड और मैथमेटिकल हैं, और वो सीधे तौर पर एनर्जी लाइंस को फॉलो कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन लाइंस और इन फिगर्स का कोई गहरा मतलब है कि ये कहाँ जा रही हैं और ये एक दूसरे को क्यों काटती हैं, जिसका पता हम नहीं लगा पाते। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक नाज़का की ये लाइंस और जियोग्लिप दुनिया भर में फैले एक कम्युनिकेशन नेटवर्क का हिस्सा थी। ऐसा नेटवर्क जो प्राचीन काल में आए एलियंस यात्रियों से सीधा जुड़ा था। अगर ऐसा है तो क्या असल में ये एलियन कम्युनिकेशन इंसान के लिए कायम किया गया था, या फिर उस चीज या उन जीवों के लिए जिनका इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था? शायद ये अनोखे आकार और चिन्ह हमारे भविष्य की ओर एक इशारा है, या फिर दूसरे एलियन जीवों के लिए दोबारा यहाँ आने का एक न्योता।